आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश प्रदेश की खास हस्तियों से, जो जनता के रोल मॉडल भी होते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ राज्य मंत्री मौजूद हैं, जिनकी सुनी अनसुनी कहानी सुनाएंगे हम आपको उन्हीं की जुबानी, जो बताएंगे अपने राजनीतिक सफर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2017 में आप विधायक बनी, और एक बार फिर आप इस बार विधायक बनी जब योगी सरकार ने एक बार फिर से अपनी सत्ता संभाली, तो आपको एक अहम पद मिला है, किस तरह से देखती हैं? सर्वप्रथम तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का। उन्होंने एक जिम्मेदारी के पद हमें दिया है, और हमारा ये मानना है कि विधायक का पद और ये राज्यमंत्री का पद, ये सारे पद केवल शो दिखाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी के पद हैं, और जिसमें हमें एक अवसर मिलता है जनता की सेवा करने का। वो काम जो हम हृदय में से करना चाहते थे, उनको मूर्त रूप करने का एक अवसर हमें मिला है। इसलिए हम ईश्वर का भी धन्यवाद अदा करते हैं कि एक अवसर हमें मिला है, और इसके साथ ही हम इस काम को आगे से अच्छे से करेंगे, ऐसी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा भी है। चूँकि नवरात्र का पावन पर्व है, और इसमें हमने माँ दुर्गा के भक्त हैं, तो माँ दुर्गा की के आगे हम शपथबद्ध हैं कि जो भी आप हमें काम देंगे उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। और हमें महिला विकास कल्याण विभाग मिला है, जो कि हमें बहनों के लिए काम करना है। जी, अगर आपके राजनीतिक सफर की बात करी जाए, तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी नेता होते हैं वो अपने छात्र समय से राजनीति की शुरुआत करते हैं, तो क्या आपकी राजनीति की शुरुआत भी, आपका राजनीति में आना क्या छात्र समय से ही शुरू हुआ? नहीं, छात्र समय से तो नहीं था, लेकिन एक तरह से देखा जाए स्टूडेंट लाइफ से ही काफ़ी हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि बार बार प्रतियोगिता में भाग लेना या किसी कार्यक्रम में अप्रिशिएट करना, अपने टीचर को कुछ कविता बनाकर देना, कुछ साहित्य की बात करना, और तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टूडेंट लाइफ में थी, और एक एम था कुछ अलग हटकर करने का। और हम लोग जब बहुत सी क्लास में पढ़ते थे, उसी समय एक प्रेरणा मिली थी हमको कहीं ना कहीं से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, कि उन्होंने कहा था कुछ अलग बनकर दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, क्षेत्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी, तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि पेंटिंग में ही महारत हासिल कर लो या साहित्य में, तो हम लोग एक एम बना के चले थे कि कुछ ना हो तो हम राजनीति जो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं उसमें हमको एक चुन लिया जाए, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाएंगे और बिना देखे स्केच करेंगे। और कविता का भी शौक रहा है बचपन से, तो साहित्य और ड्राइंग हमारा प्रिय रहा है, जिस पे हमने डीपली बहुत काम किया, इतना ज़्यादा बचपन से कि कहीं भी चौक होते थे तो ड्रा करना, छोटे से स्केच करना प्रारंभ कर दिया था, बिना देख के बनाना, तो सारी चीज़ें एक लगन थी कुछ ना कुछ करने की। लेकिन राजनीति में आने का अवसर हमको मिला 2006 से। 2006 में हम राजनीति में आए, और हमारे पति पहले से ही राजनीति में थे, अनिल शुक्ला वारसी जी जो पूर्व सांसद हैं, और हम समझते हैं कि जब तक एक पति अपने पत्नी को सहयोग नहीं करता है, जीवन साथी परस्पर एक दूसरे को जब सहयोग की जहाँ भावना होती है, जहाँ प्रेम की भावना होती है, तब जीवन सफर बहुत अच्छा चलता है। और उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया राजनीति में, यहाँ तक उन्होंने कहा कि तुम हमें चाय बना के दोगी तो हम नहीं पियेंगे, आपको जो वर्क मिला है आपको उसी में काम करना है। और हमारा टिकट हुआ 2006 में, हमको विधानसभा का टिकट मिला, और इस पर हमें काम करने का अवसर मिला। जी, जब हम क्षेत्र में गए, मुझे लगा कि वास्तव हम, चूँकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र कभी से नहीं रहा, शहरी क्षेत्र रहा शुरू से, और हमें काम मिला गांव के क्षेत्र में, तो जब हम गांव में गए पहली बार, तो हमें जाना हुआ और लोगों से मिलना हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा बहुत गरीबी है, बहुत तंगहाली है, बहुत परेशानियाँ हैं लोगों के जीवन में, जो हम जिनसे वाकिफ नहीं थे। ऐसा लगता था कि रोटी कपड़ा मकान तो शहर सबको उपलब्ध ही है जी, ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम लोग ग्रामीण अंचल में गए, तो वहाँ हमें बहुत मुसीबतों का सामना लोगों को करते हुए देखा जी, तो ये लगा। और लगातार 2005 से जब टिकट हुआ,
और हमें रोज काम करने का अवसर मिला, चूंकि मेरा विधानसभा का टिकट और हमारे पति का सांसद का टिकट हो गया था, तो हम दोनों लोगों को अलग अलग काम करना था, दोनों लोगों को जाना था। तो एक घटना हमारे जीवन में आई, वो जब हम एक बार गांव के गंगा के किनारे के एक गांव में गए थे, वहां पर हमने एक महिला को देखा जिसका बेटा खत्म हो गया था और उसकी बहू भी नहीं थी, तीन छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत थोड़ा सा आटा लेकर वो रोटियां बना रही थी, और हम वोट मांगने के लिए उसके पास बैठे जाके, झोपड़ी थी, गंगा का किनारा था। तो हम, वो कहने लगी आप मेरे पास क्यों आई हैं, तो हमने कहा कि ऐसा है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपसे सेहो की आकांक्षा रखते हैं। तो कह रही है कि उसने ये कहा कि हम क्या सहयोग करेंगे, आप मेरा सहयोग करेंगी, तो हमने कहा बताओ क्या सहयोग करना है। तो कह रही इतना ही आटा है मेरे पास और मेरे ये तीन बच्चे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है, और हम शाम को क्या इनको खिलाएंगे मुझे नहीं मालूम। मेरा मन बहुत दबित हुआ, मैंने उसी दिन संकल्प लिया माँ दुर्गा के आगे कि हम राजनीति का एक भी पैसा निजी इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। शाम को भागवत का कार्यक्रम था, वहीं मैंने प्रतिज्ञा ली। लोगों ने कहा ये कठिन प्रतिज्ञा है, तो हमने कहा कोई कठिन प्रतिज्ञा नहीं है, हमारे पति इतना कमाते और हैं, हम लोग के पास इतना है कि हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, हमारी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हमको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़े, हमें ये काम करने का अवसर मिलेगा और हम विधायक बनेंगे तो हम इन सारे लोगों के लिए काम करेंगे जी। और फिर हमने रूट स्तर पर काम करना शुरू किया, जहाँ भी कहीं बहनें मिलती थी, यहाँ तक कि बहनों का हमें इतना प्यार मिला 2007 में भी मिला कि वो माला अपने शॉल के अंदर छुपाए रहती थी, जबकि ग्रामीण अंचल में फूल बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन उनके घर के उगाए फूल, और हमसे कहती थी मेरे पास आओगी तो हम तुमको माला पहनाएंगे जी। और जब हम उनके पास जाते थे नमस्ते करते थे, यहाँ तक कि जो महिलाएं हाथ मिलाती थी तो हाथ मिलाते मिलाते मेरा हाथ पूरा काला पड़ गया था, इतना प्रेम और स्नेह हमें बहनों ने दिया, और उस समय बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला, और हम समझते हैं हमें काम करने का अब ऐसा अच्छा अवसर मिला है महिला कल्याण, जो कि हम उनके लिए काम कर सकते हैं। जब हम विधायक बने तो हमने उनके लिए काम भी किया, जिसने हमसे पेंशन के लिए कहा, जिसने हमसे जो भी बात कही हमने उसको काम करने लिए कभी मना नहीं किया। कभी भी मेरे पास कोई आया है, हमारे पति वो सांसद बने और मैं विधायक बनी, एक साथ हम दोनों लोग जीत कर आए 2007 में, और हम समझते हैं कि हम दोनों लोगों ने लगातार बहुत सारा काम किया जी। एक विधायक स्तर से, एक सांसद स्तर से, कानपुर नगर का पूरा काम हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ किया और लगातार करते रहे, और उसके बावजूद भी अब फिर हम 12 का इलेक्शन लड़े हैं। 12 वाले इलेक्शन में 243 वोट से, चूंकि वो सपा की गवर्नमेंट बनी थी उस समय जी। और 243 वोट मात्र हमारा कम रह गया था जी। बाकी और हमारे पति ने फिर दोबारा चुनाव लड़ा लोकसभा का, लेकिन उनका 15,000 वोट कम रहा, तो हमें, लेकिन हम लोगों ने अपने क्षेत्र को छोड़ा नहीं, लगातार उनके लिए काम करते रहे, चूँकि उस क्षेत्र में हमारे आर्थिक सोर्सेज भी हैं, हमारा कॉलेज भी है, राम जानकी महाविद्यालय, कॉलेज भी जाना आना होता था, तो कॉलेज में भी लोग हमसे मिलते रहे, तो हमेशा कभी कहते थे फीस नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, बच्चे को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना है, तो कभी हमने उनसे फीस मांगी नहीं, हालांकि हम अपना विद्यालय घाटे पे चलाते रहे, लेकिन मैंने चलाया। कोरोना काल में भी मैंने फीस माफ़ कर दी तुरंत, जब निर्णय आया तो हमने कहा 3 महीने की फीस सबको माफ़ करी जी। हमने कहा इतना मिल जाए कि हमारे टीचर्स को सैलरी मिल जाए, बाकी हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं, और आज भी हम विद्यालय से उतना नहीं कमा पाते जितना कि और हम सोर्सेज से, हमारी अपनी, हमारे हस्बैंड की फैक्ट्री भी है, वो सब देखते हैं। राजनीति हम लोग जो करते हैं वो केवल लोक सेवा की भावना से ही करते हैं जी। यानी कि आपने जो जनता के बीच गई, वहाँ के जो दुख दर्द देखे, उनकी सहायता करी, उसी की मैंने आपको जी, तो उसी की वजह से आपको प्रेरणा मिली और आपने राजनीति को एक अलग ढंग से आगे बढ़ाया, जनता की सेवा में आगे। ये तो एक हमने आपको उदाहरण बताया जी। एक बार तो उन्होंने कीड़े वाला पानी ला के मेरे पास रख दिया, कहते यहाँ गाँव में कोई हैंड पाइप नहीं है, ये कुएं में कीड़े हैं इतने, आप पानी पी के दिखाओ। तो हमने कहा इतने कीड़े और हम पी के दिखाएंगे, बीमार नहीं हो जाएंगे? तो कह रहे मैं तो रोज़ पीता हूँ, आपको पीना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा एक चम्मच ले आओ, थोड़े से चम्मच से हमने उस पानी को चखा, इतना कड़वा पानी था कि पीने योग्य ही नहीं था। और जैसे ही हम विधायक बने पहला हैंडपाइप मेरा उसी गाँव में लगा, तो चौबेपुर विधानसभा की बात बता रहे हैं। तो हम लोगों ने जो दुख दर्द को देखा उस पर काम भी किया है, लेकिन काम करने का समुचित अवसर हमें लगातार मिलता रहा, और हम 2007 में भी काफ़ी वर्क किया, 12 में भी हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहे जी। और उसके बाद फिर हमारा जब 17 का चुनाव आया, फिर पुनः विधायक बने,
जनता ने कहा कि अब की बार बस हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं, केवल आप ही को विधायक बनाना है और बहुत अच्छा वोट और सपोर्ट दिया, तो हम लोग निरंतर जनता के बीच में रहे, जनता का काम करते रहे। फिर हम लोगों ने महिलाओं का समूह गठित किया और हमारे योगी जी ने शक्ति मिशन चलाया, जिसमें नारी को स्वावलंबन सुरक्षा की भावना से जोड़कर उन्होंने एक समूह बनाकर रोजगार से जोड़ने का काम किया। चूँकि हम उसमें विधायक थे तो जो भी हमारे पास पावर थी उसमें भी हमने बहनों का लगातार काम किया। 12,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उसमें हमारे यहाँ 5,000 समूह जो चल कानपुर देहात में बने हैं, समूह हमारे काफ़ी एक्टिव हैं। और चूँकि विधायक थे लेकिन फिर भी हमने महिलाएं आंगनबाड़ी और हमारी जो सारी महिलाएँ हैं इनके लिए हम लगातार काम करते रहे। उनकी कोरोना काल में भी ये बहनें लगातार काम करती थी, इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन ये महिलाएं वैक्सीनेशन के लिए जाती थी। कोरोना काल में भी हम लोगों ने काम किया। कोरोना काल में जब हमने देखा लगातार बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमने हमारे पति ने दोनों लोगों ने दवाएं मंगाई। पैसे उसमें ज़्यादा नहीं थे लेकिन सैलरी पड़ी थी 10 लाख रुपये, तो उससे हम लोगों ने यहाँ भारत चैनल पर उस समय दिखाया जा रहा था, तो डॉक्टर साहब की दवाएँ जो थी उनको हम लोगों ने सूर्यकांत जी की उनकी दवाओं को मंगाया और उसको मंगा कर घर में बैठ के पर्चा बनाया गया, उस पर लिखा गया और फिर गांव-गांव में वितरित किया गया। फिर गांव में लोग जान नहीं पा रहे थे कि कोविड कब हुआ और असमय ही मृत हो जा रही थी, तो उससे काफ़ी सहारा मिला। वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोगों ने प्रेरित किया। अब तो जब थोड़े दिन के बाद लोग जैसे ही गाड़ी हमारी निकलती थी तो कह रहे वैक्सीन आ गया, तो हमने कहा वैक्सीन थोड़ी नहीं आया, आप लोगों के लिए हमने कहा है, आपको प्रेरणा देने के लिए ये बात रखी है। तो हमारे क्षेत्र में लोग इस तरह से नाम देने लगे, हम लोग जहाँ भी कहीं जाते रहे। तो हम ये कहेंगे कि घर का सहयोग जब मिलता है तो काम बहुत अच्छा होता है। जी, यानी आपको राजनीति करते समय आपको परिवार का पूरा सहयोग मिला है। हम जानना चाहेंगे कि आपका इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है, उसमें आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? हमारे प्रेरणा स्रोत तो हमारे हस्बैंड ही हैं, सबसे ज्यादा हमारे पति हैं, क्योंकि वो खुद भी इतना ज्यादा काम करते हैं और हम लोगों को भी करने देते हैं। लगातार कहते हैं काम बैठने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लगातार हम लोग को काम ही करना है। और दूसरी बात यह है कि हमारी अभी माताजी, अभी हम लोग जब गए उनसे आशीर्वाद लेने, तो उन्होंने पहला भगवान जी को माला पहनाया और हमें पहनाने लगी, तो हमने कहा क्यों, तो कह रहे हैं ये इसलिए है कि तुम देखो किसी से घूस नहीं लेना, किसी को परेशान नहीं करना। तो जो पेरेंट्स हमारे शिक्षा देते रहे बचपन से, वो संस्कार और प्रेरणा स्रोत हमारे पति, जिन्होंने कहा कि लगातार काम करना चाहिए, एक दिन भी बैठना नहीं चाहिए। हम तनख्वाह लेते हैं तो हमें रोज़ वर्क में जाना ही चाहिए, लोगों के लिए काम करना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग दोनों लोग लगातार कार्य करते हैं जनता के बीच, और हमारी उपस्थिति रोज विधानसभा में रहती है। अब लोग कह रहे हैं अब आपकी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने कहा थोड़े समय लखनऊ में भी रहना है, तभी आपके काम हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो महिलाओं से संबंधित आपको विभाग मिला है, तो जब आपको ये विभाग नहीं मिला था तो आपके मन में कई विचार होंगे कि मुझे महिलाओं के लिए ये तमाम काम करने हैं, तो वो कौन कौन से काम है जो आप महिलाओं के लिए करना चाहती हैं? जब विभाग नहीं मिला था और हम खाली विधायक थे पिछली बार 2017 में, तो भी हमने महिलाओं के लिए ही काम किया था, और वो उसका कारण आपको बताया भी, हमने समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। समूह एक्टिवेट नहीं होते थे, समूह बन जाते थे, उसमें पैसा चला जाता था लेकिन उनको कार्य रूप में पंडित नहीं होता था। जो लोग भैंस खरीद लेते तो वो तो व्यापार कुछ कर भी पा रही थी महिलाएं, लेकिन और जो काम हमारे हैं उसमें महिलाएं इतना एक्टिव नहीं हो पा रही थी। और हमारे क्षेत्र की महिलाएं तो अब बहुत ही एक्टिव हो गई हैं। अब तो ये होता है कि पुरुष अपनी महिलाओं के पत्नियों को ले आते हैं और कहते हैं जाओ भाभी से बात करो, मतलब वो यही कहते हैं और हमारे पास आते हैं। चूँकि हमारी महिलाएँ पहले काफ़ी डरी डरी रहती थी गाँव की, निकलती नहीं थी, तो हमने कहा आप तो शक्ति का स्वरूप हो और आप आगे आओ, कहीं कोई अंतर नहीं होता नारी और पुरुष में, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। शरीर का अंतर होता है लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, बराबर आप काम कर सकती हैं। और आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें परेशान रहती थी उनसे भी कहते थे काम तो आपको करना ही है, तो हंस के करो या रो के करो, वर्क हंस के करोगे जी तो ज़्यादा आसानी से और काम बहुत अच्छा होगा। हम समझते हैं प्रेरणा हमारी महिलाओं के अंदर गई है, वो बहुत प्यार स्नेह के साथ काम को करती हैं, काम को एक पूजा की तरह करने का काम उन्होंने ले लिया है। और हमारी महिलाओं में हम समझते हैं जितनी आंगनबाड़ी हमारी कार्य करती थी उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से संभाला भी है, और समूह हमारे काफ़ी एक्टिव हैं। अब प्रेरणा कैंटीन बन गई है, हर जगह महिलाओं ने कैंटीन खोल रखी है, कुछ महिलाएं हमारी पापड़ भी बनाती, कुछ महिलाएं यूनिफॉर्म के साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने सिलकर जो स्कूल में वितरित होती थी उसमें यूनिफॉर्म दी है। इसके अलावा हमारी महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, अपना छोटा छोटा वर्क बनाकर
गणेश लक्ष्मी जो कुम्हार है महिलाएं उन्होंने गणेश लक्ष्मी बनाए हैं, दीपक भी बनाए हैं बिजली वाले, एक लैंप बना है जिसकी लागत 700 रुपये आती थी लेकिन उसको 100 रुपये में स्टूडेंट को दिया जाएगा सौर ऊर्जा से, वो भी हमारे यहाँ वितरित किया गया। तो ये सारी हमारी बहनें ही काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा बढ़े और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। जब पैसा होता है पास में तो आत्मनिर्भरता ज़्यादा आती है, जब हम दूसरे से मांगते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। दूसरी ये भी बात है कि हमारे पास कोई महिला आती है उसके झगड़ा हो रहा है पति पत्नी में या कोई ऐसी बात आती है, हमारे समक्ष आती है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उसका घर बसा दें, उसको तोड़े नहीं। पहली कोशिश यही रहती है कि समझा के और बुझा के हम उनके घर में उसको भेजने का काम करें। बाकी रास्ता जब नहीं निकल पाता तो विकल्प दूसरे हैं, लेकिन पहली कोशिश तो यही रहती है, जो मान जाते हैं वो ठीक है। जीवन में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ के बिना तो जीवन चलता नहीं है, और हमारा ये मानना है कि कंप्रोमाइज़ जब करना है तो हम अपने काम के साथ करें, अपने परिवार के साथ करें। बाहर वालों के साथ करने से कहीं अच्छा है कि हम अपनी फैमिली में करें और अपनी फैमिली में करने के बाद हम आगे बढ़ें। तो इससे हमारी बहनें भी काफ़ी प्रेरणा ले लेती हैं और पहले कह देते हैं मेरे पति शुक्ला के साथ जुड़ना है, अपने पति की अनुमति ले लेना, ऐसे न करना कि राजनीति में। अभी हमारे साथ एक बहन जुड़ी थी जी। उसके हमारे पास आने के बाद उसके पति ने उसको मारा, फिर हम लोग उसके घर गए तो हमने कहा आप अपनी पत्नी को क्यों मारते हैं, मेरे पास आई है, हम तो उसको कहीं घुमाते नहीं हैं। चरित्र तो सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी कोई महिला राजनीति में आती है हमारे साथ जुड़ती है तो हम पहले ही उससे कहते हैं आपका करेक्टर स्ट्रांग रहेगा तो मेरे साथ जुड़ना, या करेक्टर लूज है तो ना जुड़ना, क्योंकि आप काम नहीं कर पाओगे आगे, काम में व्यवधान खड़े होंगे। तो हम समझते हैं कि हमारी बहनें हमारा काफ़ी हद तक कहना मानती हैं और हमने उनकी फैमिली को समझाया, उनके पति को भी समझाया, हमने कहा आपको भरोसा करना चाहिए अपनी पत्नी पर और आपकी इच्छा नहीं है राजनीति भेजने ना भेजिए मेरे पास, आपको कोई काम बताना आप ऐसे ही बता सकते हैं लेकिन इसकी इच्छा थी तो मेरे पास आई, लेकिन आप इस तरह से उसको मार कर अपमानित नहीं कर सकते हैं। काफ़ी उस बात का असर पड़ा है और अब दोनों पति पत्नी रह रहे हैं आराम से, तो उनके घर में सुलह हो गई है। तो पूरा हमारा प्रयास रहता है और बाल विकास में भी हम ये कहना चाहेंगे बच्चों का कहीं ना कहीं शोषण होता है और उनको छोटे से ही काम करना पड़ता है बाल मजदूरी में, इसका हमने शुरू से विरोध किया है और इसीलिए हमने अपने घर में कभी बच्चों को नौकर नहीं रखा, हमने बड़ों को ही रखा, छोटे बच्चों से कभी भी नौकर नहीं रखा। जब भी हमारे आए उनको समझा बुझा के उनके माँ बाप के पास भेजने का काम किया, एक दो बार लोग ले कर भी आए तो हमने कहा बेटा अपनी मम्मी के पास जाओ पढ़ाई करो। मैम आपने राजनीति में भाजपा का साथी क्यों चुना, क्योंकि आपके पति बसपा से रहे हैं और बीच में अभी अटकलें भी लग रही थी जब कई नेता चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हुए तो आपका नाम भी सामने आ रहा था कि आप भी सपा में शामिल हो सकते हैं। नहीं, हम बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए जहाँ भी रहो ईमानदारी के साथ रहो जी। और हमें मोदी जी की रीति नीति और योगी जी की रीति नीति बहुत पसंद आ रही थी और पहले हम बहन जी के साथ थे, बहन जी के साथ भी ऑनेस्टी से जुड़े थे और हमने काफ़ी उनके साथ भी काम अच्छे से किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जब बात आ जाती है हमारा शीर्ष नेतृत्व ये कहीं ना कहीं ऑनेस्टी से काम करने के बाद ये ऑनेस्टी का फल ना मिले जी तो काम करने का मज़ा नहीं आता है। हम लोग जब भाजपा में आए 2016 में ही आ गए थे, पहले ही आ गए थे और उसके बाद हम लोग भाजपा में जब आ गए थे तो हमें कहीं बीच में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर संत हैं हमारी योगी जी और मोदी जी, जब उनसे कहा जा रहा आप घर के 2 मिनट में खाली कर देंगे, ऐसे संत लोगों के साथ काम करने का मजा ही दूसरा है। और चूंकि हमें भी ईमानदारी से काम करना था, माँ दुर्गा की शपथबद्ध हैं तो फिर हमें ईमानदार व्यक्ति मिल रहा है काम करने का अवसर मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और सरकार भी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, जहाँ भी कहीं है कोई दिक्कत नहीं आती है, महिलाओं का भाजपा में सम्मान भी है, कोई मतलब ऐसे ढंग से नज़र से भी नहीं देखता है कि आपको कहीं अपमानित करना होना पड़े। और सपा का तो आप जानती हैं कि गुंडागर्दी कितनी तेज रहती है, महिलाओं का कहीं भी अपमान हो सकता है, तो चूंकि हम महिला हैं तो हमको हमने पहले भी उस दिन भी कह दिया था कि हम कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाले, भाजपा के ही साथ रहेंगे, क्योंकि हमें रीत नीति जो पसंद जी शायद आपकी ये निष्ठा का ही फल है जो कि आपको राज्य मंत्री बनाया गया है। एक मेरा सवाल और ये भी है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है, सख्ती से काम करने के लिए, पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए कहा गया है, इसको आप किस तरह से देखती हैं, कितना बदलाव आएगा इस तरह के एक्शन प्लान से? नहीं, बहुत बदलाव आएगा और हम लोग उसमें डट कर काम करें, हर मंडल पर जाएंगे,
हर मंडल पे अपने आंगनबाड़ी केंद्र को चेक करेंगे, वहाँ पुष्टाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उन लोगों को समय से टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमारे लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत का जो सामना करना पड़ा, हमारे केंद्र जो अविकसित पड़े हैं वो सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, क्योंकि नए केंद्र बनाने के लिए कहा गया है, नए केंद्र नहीं बन पा रहे। और सबसे अच्छी बात, आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर एक पोषण वाटिका बन जाए तो भी हमारे लोगों को बहुत उसमें आराम हो सकता है। बीज वगैरह उपलब्ध कराए गए तो पोषण वाटिका बन नहीं पाई थी, पोषण वाटिका से बहुत आराम ये हो जाएगा कि जो सब्जियां उगेंगी वही बनाने का काम आ जाएंगी, वही स्कूल में वितरित हो जाएंगी। तो हम लोग पूरे मंडल में जाकर इस काम को करेंगे बड़ी तेजी से, जहाँ भी कहीं देखेंगे कहीं शोषण हो रहा उसका डटकर विरोध होगा, और हम समझते हैं ये 100 दिन का प्लान सभी लोगों के एक उद्देश्य एक लक्ष्य जब सामने होता है कि हमें इतने दिन में वर्क खत्म कर लेना है, तो हम समझते हैं लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूर्ण होता है, तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, योगी सरकार में सख्ती भी देखने को मिलती है, और जिस तरह से हम बच्चों की बात कर रहे हैं, मिड डे मील भी काफी चर्चा में रहता है। सरकार अपने स्तर पे काम करती है लेकिन बच्चों तक वो चीज पहुंच नहीं पाती है, बीच में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, कमियां देखने को मिलती है। भ्रष्टाचारियों का तो हर जगह समाज में पाए जाते हैं, 2 तरह के व्यक्ति, एक होते हैं अच्छे विचारों वाले जो जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसी से समाज चलता है, एक वो लोग होते हैं जो दूसरों का हक छीन कर अपने घर में ले आना चाहते हैं। तो समाज के ऐसे लोगों जो ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, वो किसी भी जात वर्ग के हो सकते हैं, लेकिन पूरी सरकार की कोशिश है कि ये जो चोरी को रोका जाए। सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे आप देखिए पैकेट में रिफाइंड दे रहे हैं, कैसे आप निकालोगे, कैसे चोरी करोगे? या तो भाई फिर भी चोर कहेंगे कि हम फाड़ के निकाल के फिर से चिपका देंगे। चोरी के लिए तो कहीं कोई जगह, मतलब चोर तो हर जगह हैं, लेकिन सरकार की ये पूरी कोशिश है कि साफ सुथरा अनाज, साफ सुथरा रिफाइंड सब बच्चों को पहुंच जाए और सभी लोगों को पोषण मिले, इसके लिए हम सभी लोग को नियुक्त किया गया है। हम करेंगे क्या, यही काम तो है हम लोगों का, जाकर उनको वाच करें और बच्चों तक उन चीजों को पहुंचाएं। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, पहले भी अभी जब वितरण हो रहा था तो हमने हर जगह जा जा के चेक किया था और सभी लोगों से, सभी लोग को प्रेरणा भी देते हैं कि आप चोरी रुकें, चोरी ना करें, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत उदाहरण हमने दिए, जैसे कम्बल वितरण होते हैं, लोग कम्बल चुराल के रख लेते हैं, या सरकारी कोई चीज़ को अपने घर ले आना चाहते हैं जी। वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार की होती हैं, कभी कभी ऐसा ईश्वर नाराज हो जाता है। एक उदाहरण बताएं, एक लोगों ने ऐसे एक कम्बल को ले लिया और उस कम्बल इतने अच्छे होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, एक समय ऐसा है कि उनको उसी कम्बल में रात बितानी पड़ी जी। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे कि मुझे ऐसा ईश्वर बुरा मानता है कि फिर जो चीज़ आप चोरी करके लाते हैं बस उतनी ही फिर आपको ईश्वर देता है। तो हमारी तरफ, हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जब हम प्रेरणा से बहुत कुछ समाज को बदल सकते हैं जी। अब हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वो सशक्त हो सके, क्योंकि महिलाओं बच्चों दोनों के ऊपर अपराध भी देखने को मिलते हैं, शोषण का शिकार होते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जिससे वो इन सब चीज़ों से बच सके, आत्मनिर्भर बन सके और सशक्त हो सके, वो चाहे महिलाओं या बच्चे? हम महिलाओं को ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बहनों, आप बहुत मजबूत हो, बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति को जान के आप कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करने दो, और यदि कभी महसूस भी करो तो सामने वाले को बिल्कुल सो मत करो, कारण आप जब अपने आप को मजबूती से रखेंगी तो अब आप हर काम को कर सकती हैं, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप खेती का काम करती हो, चाहे आप छोटा व्यापार करती हो, और पूर्णतया से ये कोशिश करें कि हम आत्मनिर्भर बने, चाहे घर का काम हो, काम कहीं खराब नहीं होता, चाहे खेती का काम हो, चाहे आपके व्यापार का काम हो, आत्मनिर्भरता ही आपको जीवन के आखिरी पायदान तक ले जाएगी। और मजबूती से खड़े रहें, माँ दुर्गा का मतलब अनुसरण करें कि माँ दुर्गा भी एक नारी थी और कितनी आपकी जो देवी हैं उनको आंतरिक रूप से आप अपने मन में सजोएं और आपको शक्ति महसूस होगी, और हर काम को खुशी के साथ करें। और सबसे अच्छी बात है कि उत्तम चरित्र होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें, लड़कों को भी ये शिक्षा दें, लड़कियों को तो देते ही हैं माँ बाप, लेकिन लड़कों को भी ये शिक्षा दें कि आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। जब चरित्र उत्तम होगा, चरित्र उत्तम से एक बात नहीं है लागू होती है कि खाली, चरित्र उत्तम से ये भी बात लागू होती है कि आप ऑनेस्ट हों, आप लालच नहीं दिखाएं, आप अच्छे चरित्र वाले हों, हर महिला को अपनी बहन की तरह, माँ की तरह सम्मान दें। ये लड़कों के लिए भी शिक्षा है, शराब जैसे दुर्व्यसनों का प्रयोग ना करें,
और बच्चों को शुरू से जब हम शिक्षा देते हैं तब वो बच्चे अच्छे चरित्रवान बन के तैयार होते हैं और समाज के अच्छे नागरिक बन के तैयार होते हैं। तो महिलाओं से कहेंगे अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को एक अच्छे चरित्र की शिक्षा दीजिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने काम को कर सकें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी काम को करने में शर्म महसूस ना करें, चाहे छोटा ही काम क्यों ना हो। यदि अपनी दुकान खोली है तो उस पर झाड़ू लगानी भी पड़े तो लगाने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो इसलिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि स्वावलंबन जरूर आए, सुरक्षा जो सामाजिक महिला थाने की व्यवस्था है आप अपनी बात कह सकती हैं, और आपके लिए आवास आसरा सब महिलाओं के लिए तो किया है योगी जी ने जी। राशन कार्ड महिलाओं के नाम, आवास महिलाओं के नाम, समूह महिलाओं के नाम से मैंने सारी चीज़ महिलाओं के नाम और बच्चों के नाम है। तो बच्चों की सुरक्षा देने के लिए हमारी बहनों को आगे आना पड़ेगा, हमारे समाज के हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। और हम समझते हैं हर व्यक्ति यदि ये सोच ले कि कहीं भी अन्याय हो रहा है हम उसका डटकर विरोध करेंगे, उसमें चाहे हमारा पर्सनल नुकसान क्यों ना हो, तो हम समझते हैं समाज की दिशा बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शख्सियत का हिस्सा बनने के लिए, साथ ही अपने जीवन से प्रेरणादायक कहानी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आज खास कार्यक्रम शख्सियत में जुड़ी थी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां बताई, साथ ही लोगों को प्रेरित भी किया, महिलाओं को प्रेरित किया कि वो सशक्त बने, साथ ही अच्छे आचरण का चयन करें, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, साथ ही साथ जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी अनुपालन करें और सरकार को भी कई चीजों में सहयोग करें। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ जिनकी कहानी से हम आपको रूबरू कराएंगे और सुने अनसुने किससे बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।